हरपुर थाने के पुलिसकर्मी ने दो छात्रों की पिटाई कर दी थी। मास चेकिंग के दौरान पहले दोनों छात्रों को गालियां दी गई, जिसके बाद विरोध करने पर लास्ट से भी उनकी कई बार पिटाई की गई। वीडियो संज्ञान में आने के बाद आरोपी जवान मुन्ना राम को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल हरपुर थाने के बाहर ही मंदिर के समीप मास्क और बाहर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान तारापुर में रहने वाले छात्र संतोष कुमार कचोरिया एडमिट कार्ड लाने दोस्त के साथ जा रहे थे। वहीं पुलिस जवान दोनों छात्र से उलझ गए। छात्र ने कहा कि मेरे पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास मात्र 10 रुपए ही है, अगर आपके पास पैसे है तो आप दे दे। लेकिन पुलिस के जवान छात्र को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। दूसरे छात्र ने पूरी घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस के जवान छात्र को गालियां दे रहे हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी मुन्ना कुमार सामने आते हैं और उसके बाद छात्र को लात से मारते हैं। इमारत का है क्या हुआ? अरे हुआ क्या जी? मुझे इस वीडियो को शहर में एक छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद वीडियो वायरल होने लगा। इस संबंध में मुंगेर एसपी जे जे रेड्डी ने बताया कि 3 दिन पहले ये मामला मेरे सामने आया। हरपुर थाने की पुलिस का वीडियो मेरे सामने आया है। छात्रों के साथ वे अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जाँच का आदेश दिया गया। वीडियो में दिखने वाले पुलिसकर्मी की पहचान मुन्ना राम के तौर पर की गई है। वही उसे दोषी पाते हुए सस्पेंड भी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे वीडियोस अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल वोट पर लड़ाई।